अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं जो है ना वॉक पे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, और वॉक पे जाके ना जो है इतना मज़े का, मैंने आपको पहले इसके काफ़ी वीडियोस बता दी हैं। तो आज जब मैं वॉक पे जा रही थी तो बारिश हुई थी रात को, इतना मज़े का मतलब व्यू था। और फिर आगे जाके जो है ना हमें इंजीर के जो है ना वो दरख्त मिले, और इतना इसका ज़बरदस्त फल है, ठीक है। तो मुझे ये येलो वाला नहीं, ये जो ब्राउन वाला है, ठीक है। और इतना मज़ेदार था कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे हालांकि खुश्क वाले जो है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, तो ये जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जी हमने नाश्ता वाश्ता किया और हम निकल पड़े जी। हमने लेनी थी सब्ज़ी वगैरह, और रास्ते में जो है ना वो बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद तेज़ हो गई, तो टेंशन तो हुई। लेकिन अब खैर हम रास्ते में थे तो वापस तो नहीं जा सकते थे। अब देख सकते हैं कितना मुझे ज़्यादा था पानी वगैरह भर, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हम जा रहे थे इतवार बाज़ार, ठीक है, इस्लामाबाद का, जिसे सस्ता बाज़ार भी कहते हैं, और हफ्तावार बाज़ार, क्योंकि ये 3 दिन लगता है। तो पेशावर मोड़ पे है ये मेट्रो स्टेशन के पास। और इधर जो है ना मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा है मतलब है कि हाँ पे हर चीज़ जो है उन्होंने एक बाज़ार में जो ऑर्गेनाइज तरीके से रखी है, तो आप ईज़िली सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स जो है ना ले सकते हैं। वैसे तो हर चीज़ है वहाँ पे, कपड़े वगैरह भी हैं, लेकिन जो कपड़ों वगैरह की क्वालिटी है वो मुझे कोई ख़ास नहीं पसंद नहीं है इनकी, लेकिन जो सब्ज़ी वगैरह है वो काफ़ी बेहतर है। और जो है ना आपको हर चीज़ जो है ना एक जगह पे आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो बारिश अभी भी दिखे हो रही थी, और मतलब ख़त्म होने वाली थी, तो हल्की हल्की फिर भी हो रही थी। यहाँ पे हमें जी वो रेडी वाले को पकड़ा के हमें चीज़ें ज़्यादा लेनी थी, सब्ज़ियाँ आलू वगैरह और इस तरह की चीज़ें, सारा कुछ हमने जो है ना वो ले के, तो मैं जी फिर वापसी का हमने रास्ता लिया। वापसी पर जब हम आए तो बारिश ख़त्म हो गई थी, और मतलब मज़ेदार सा एक मौसम था। उसमें देखिए आप आगे जो है ना के बादल जो है वो हल्के हल्के हैं, और अभी मतलब गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं, और इतना ज़बरदस्त कहीं का ये जो है ना रेनबो देख के इतने मेरे दिल को ना खुशी हुई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे जी हमने लिया वापसी का रास्ता, फिर हम घर आए और रेस्ट किया। हम सुबह सुबह गए थे तो इस वजह से जो है ना वो हमने अपना रेस्ट कर लिया था वापस आके, क्योंकि सुबह सुबह जो है रश कम होता है, ईज़िली आप जो है ना वो शॉपिंग वगैरह करके जो है ना सब्ज़ी वगैरह लेके आ सकते, क्योंकि इनका जो बाज़ार है वो 8:30-9 बजे आराम से जो है वो खुल जाता है। तो दिन को रेस्ट करने के बाद जी हमने खाना वाना बनाया, और यहाँ पे मैं जो है ना बना रही थी लौकी की सब्ज़ी, ठीक है। और अच्छा, मैं कोई प्रोफेशनल कुक वगैरह नहीं हूँ, मैं आजकल खुद ही सीख रही हूँ। जब से यूट्यूब के उसमें आई हूँ तो थोड़ा थोड़ा जो है ना मैं कुकिंग भी कर रही हूँ साथ साथ के, मतलब जो है ना आना चाहिए बंदे को। तो मैं यहाँ पर खाना वाना बना रही थी और मैंने ये सारा कुछ किया। तो उसके बाद जो है ना मैंने साथ में जो है ना आटा गूंथ के पहले ही रखा हुआ था, तो मैंने ये, क्योंकि मैं अच्छा इसको ना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ना अच्छा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा आप जो है ना आप भून लें लौकी की जो सब्ज़ी है, वो जितना आप अच्छा भूनते हैं उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो पेड़ वगैरह जो है ना मैंने पहले बना लिए थे, और शेल्फ़ को साफ़ करके ना तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे रोटियाँ बनाना जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती, और बेलन के बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती। तो मैंने ट्राई किया तो कुछ ना कुछ मैंने बना ही लिया, और आप देखेंगे कि रोटी का साइज़ इतना बड़ा है। हमारे घर में जो है ना असल में रोटी इतनी बड़ी ही बनती है साइज़ में, मैं तो अभी छोटा बना है। तो मैंने बस अपनी तरफ से कोशिश की, रोटियां वगैरह बनाई, और इतनी देर में सालन बन रहा था तो मैंने सोचा रोटी वगैरह भी बना के मैंने रख दी। और मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर रही थी कि मतलब जो मैस है वो किचन में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने साथ में जल्दी से किचन को साफ़ किया। इतनी देर में खाना बन गया, और यहाँ पर मैंने सारों को जो है वो खाना वाना दे के दिन का तो सर्व करने के लिए मैंने निकाला प्लेट वगैरह में, और जो है ना खाना वाना मैंने खाया। बीच में जब मैंने चाय की भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कि चाय जो है ना हमारे घर में तो ऐसे है जैसे वो सिगरेट नहीं पीते तो बिल्कुल उसकी तरह, तो चाय ना पिए तो बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। खाना वाना खा के जी हम फिर शाम को जब हमने सोचा जी अब खाना दोबारा वो नहीं खाना होता, तो हमने चावल बनाए यहाँ पर, हम चिकन यखनी पुलाव जो है ना वो बना रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है ना इसमें से निकाल के सिर्फ लहसुन और अदरक जो है ना इसके हम पेस्ट बना के वापस उसमें यूज़ करने वाले थे। तो ये रेसिपी जो है अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, वैसे मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा। तो मैंने इसमें बस आपको देख रहा होगा वीडियो में सारा कुछ, मैं इसमें सारी चीज़ें डाल रही हूँ, इसमें खड़े मसाले ज़्यादातर जाते हैं। तो ये बनाया हमने,
ऑब्जर्व करेंगे। तो आजकल बस यही रूटीन है, तो मैंने सोचा ये आपको जो है ना डेली रूटीन जो है ना आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो बस मैंने वीडियो बना ली और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।